नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं भाषा मंजरी क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक, क्लास 8वीं की पाठ्य पुस्तक, कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक। चैप्टर का नाम है मित्रता और चैप्टर संख्या 3। इसमें हम देखेंगे पाठ से जो प्रश्न है वो देखेंगे, पाठ से आगे का भी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप इससे जो प्रश्न है वो भी देखेंगे। तो कितने प्रश्न देखेंगे, पाठ से पहला प्रश्न हुआ, दूसरा पाठ के आगे से प्रश्न दूसरा हुआ और तीसरा हो जाएगा क्या करेंगे आप, ये तीसरा। तीन तरह के प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो देखिए पाठ से आगे का प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप किस तरह से कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो बताइए, तो उत्तर हो जाएगा मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। मतलब हम जैसे मित्र का चयन करेंगे वैसी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मतलब चयन जैसा करेंगे वैसी होगा। गति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। मित्र हमें सद्मार्गी बनाता है, वही कुमित्र हमें कुमार्ग गामी बना देता है। मतलब आप सही मित्र का चयन नहीं करेंगे तो हमें कुमार्ग पर ले जाएगा। संगति के कारण ही हमारे संस्कार सही एवं कुसंगति से हमारे लक्षण कुलक्षण में परिवर्तन हो जाते हैं। अतः जीवन में सच्चे मित्र हो तभी हमारा जीवन सफल हो पाता है। इस तरह से पहला प्रश्न का जवाब दे दिए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, जीवन की एक दवा है। कैसा दोस्त जो विश्वास पात्र हो, इसका अर्थ बताना है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, जिस प्रकार हम किसी चीज की खरीदारी काफ़ी सोच विचार करके करते हैं, उसी तरह मित्रता भी काफ़ी सोच विचार कर करनी चाहिए। जिस प्रकार हम लोग कोई सामान क्रय करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसी तरह दोस्ती करने के लिए हमें दोस्त का तर्क वितर्क करना चाहिए। मैत्री का उद्देश्य है उसका मूल्य आदि बातों को ध्यान में रखकर मित्रता करनी चाहिए। रंग रूप एवं व्यवहार से मित्र नहीं बनाना चाहिए। विश्वास पात्र मित्र सदा हमें सहयोग करता है, अच्छा विचार देता है, अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह देता है। अतः विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है, इस औषधि के सेवन से लाभ ही लाभ है। तो विद्यार्थियों, सही मित्र का चयन हमें इसी तरह से करना चाहिए, और जो सही दोस्त होता है वो एक प्रकार का दवा का काम करता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए आपके सामने उपस्थित है। तीसरा क्वेश्चन, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मित्र का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, मित्र का चुनाव करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखनी चाहिए। पहला है, मित्र उत्तम संस्कार का हो एवं हमें भी संस्कार से दृढ़ करे। दूसरा है, मित्र दोष एवं त्रुटियों से बचाए। यदि हमारे अंदर कुछ त्रुटि है तो वो हमें बताने का काम करे, कुमार्ग पर जाने से रोकने वाला हो। यदि हम गलत संगति को जा रहे हैं तो दोस्त हमें उसे दिखाने का काम करेगा ताकि हम उस संगति में जाने से बच सके। चौथा है, उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में सहायक हो। मित्र में उत्तम वैद्य की निपुणता और परख हो, माँ के धैर्य सी, मैंने माँ की जैसी माँ धैर्यवान होती है उसी की तरह दोस्त भी धैर्यवान होना चाहिए, वैद्य डॉक्टर की तरह निपुणता होना चाहिए। माँ के धैर्य सी कोमलता हो, उपयुक्त गुणयुक्त को ही अपना मित्र बनाना चाहिए। यदि ये सब मित्र में गुण नजर आवे तो वैसे मित्र को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की कौन सी निपुणता और परय होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। इस पंक्ति के आधार पर एक अच्छे मित्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त पंक्ति के आधार पर अच्छे मित्र की निम्नांकित विशेषताएँ हैं। आप देख लें क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या विशेषता होनी चाहिए। पहला, उत्तम संकल्प
संकल्पों से दृढ़ हो। दूसरा है दोष और त्रुटियों से दूर हो। तीसरा है सत्य, मर्यादा, पवित्रता एवं प्रेम जैसे मानवीय गुणों से युक्त हो। चौथा है उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह में सहयोगी हो। पांचवा है उसके दृष्टिकोण में धैर्य एवं परख हो। और छठा है कुमार्ग पर पैर रखने के पूर्व ही सचेत कर देने वाला हो। पांचवा प्रश्न है हमारा विवेक कुंठित ना हो। हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें पूरी तरह चौकस रहना चाहिए। ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहिए जिनका विचार सात्विक हो, उनका चरित्र बल बलिष्ठ हो, वैसे भावनाओं बातों या चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारे चित्त पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अपने चरित्र को धारदार रखना चाहिए। सदा बुरी संगति, बुरी सोच एवं बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। चलिए आगे आइए प्रश्न संख्या छठा और ये पाठ से का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद देखेंगे पाठ से आगे का प्रश्न। तो छठा प्रश्न क्या है? लेखक ने जुआ पुरुष के लिए कुसंगति और अच्छी संगति को किस किस के समान माना है? उसने ऐसा क्यों माना है? तो उत्तर हो जाएगा लेखक ने जुआ पुरुष के लिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक माना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक माना है। कुसंगति से बुद्धि का क्षय हो जाता है। कुसंगति सदैव औन्नति के गड्ढे में ले जाता है। वहीं लेखक ने अच्छी संगति को पथ प्रदर्शक माना है। अच्छी संगति पर हम पूरा विश्वास करें, ऐसे मित्र भाई समान होता है। अच्छी संगति से आत्मबल बढ़ता है। अच्छी संगति से हृदय शुद्ध, मृदुल एवं पुरुषार्थी बनता है। इससे शिष्टता, सत्यनिष्ठता आती है। हमारा चरित्र महान बनता है। ये रहा पाठ से प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न। अब आगे देखेंगे पाठ से आगे का प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, आप किस तरह से लोगों से मित्रता करना चाहेंगे, कारण सहित लिखिए। तो उत्तर है हम उत्तम संकल्पों से युक्त एवं दृढ़ लोगों से मित्रता करना चाहेंगे जो हमें दोषों त्रुटियों से बचाएंगे। हमारा सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तात्पर्य यह है कि हम उस तरह के लोगों से मित्रता करना चाहेंगे जो हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। आगे आइए प्रश्न संख्या दूसरा है। देखिए क्या है, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, आप इसको पढ़िए और ये रहा आपके सामने उत्तर। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, इसमें से चार प्रश्न है। आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी देखते हैं। देखिए क्या करेंगे आप। पहला है यदि आपका मित्र गलत रास्ते पर जा रहा हो, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे यदि आपका दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है, तो क्या करेंगे? यदि मेरा मित्र गलत रास्ते पर जा रहा है तो मैं उसे समझाऊंगा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। सदा उसे प्रोत्साहित करूंगा कि अच्छे रास्ते पर चले। इसके लिए मैं अपने छात्र मंडली, उसके गार्जियन, शिक्षकों, सभी को विश्वास में लेकर उसके आचरण को सुधारने का प्रयास करूंगा। उसकी सोच को सदैव मार्जित करूंगा। तो ये रहा, तो ये आप क्या करेंगे। तो हो सकता है कि आप दूसरा प्रश्न इसके जगह पर दे सकते हैं, आपके अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार क्या करेंगे, सबका अलग अलग तरीका है। दूसरा क्वेश्चन है यदि आपका मित्र बात में अपशब्द का प्रयोग करता हो तो क्या करेंगे। बात में अपशब्द बोलता है तो क्या करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा प्रथम तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगा कि अपशब्द ना बोले। यदि वह नहीं मानता है तो पूरे छात्रों को उसकी आदत के बारे में जानकारी दूंगा। छात्र इसे रोकने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी ना माना तो उसके गार्जियन, ना अभिभावक, माता पिता से मिलकर उसकी शिकायत करूंगा। इस पर भी वह नहीं मानता है तो शिक्षक महोदय से बात कर इसका सटीक इलाज कराऊंगा। उम्मीद है उसकी आदत सुधर जाएगी। आगे आइए क्वेश्चन संख्या तीसरा है यदि आपका मित्र
आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके तो आप क्या करेंगे? अगर मेरा मित्र मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोके तो मैं उसकी बात मान लूँगा, गलत रास्ते का परित्याग कर दूँगा, साथ ही उससे गाढ़ी मित्रता कर लूँगा। ऐसी मित्र आज की दुनिया में मिलते कहाँ हैं? यदि आपका मित्र आपको स्कूल छोड़कर फुटबॉल का मैच देखने के लिए साथ चलने को कहे तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए, अगर मेरा मित्र ऐसा कहता है कि मैं उसे स्कूल जाने के लिए बाध्य करूंगा, अगर मेरा मित्र ऐसा कहता है कि मैं उसे स्कूल जाने के लिए बाध्य करूंगा, अगर वह नहीं मानता है तो मैं उसे छोड़कर स्कूल चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पर तो सेंटेंस गलत है। अगर मेरा मित्र ऐसा कहता है कि मैं स्कूल जाने के छोड़कर फुटबॉल मैच देखने के लिए जाने का बाध्य करता है, अगर वह नहीं मानता है तो मैं उसे छोड़कर स्कूल चला जाऊंगा, क्योंकि मैं घर से पढ़ने के लिए निकला हूं, मैच देखने के लिए नहीं। विद्यार्थियों, इस तरह से हम चैप्टर 3 मित्रता पाठ जो है उसका सभी प्रश्नों का उत्तर बनाने का कोशिश किया हूं, आपको बताने की कोशिश किया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है, आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।